बात करें यहाँ से अगर आप सोयाबीन की, तो देख रहे हैं कि सोयाबीन का अक्टूबर वायदा 5342 पर कारोबार कर रहा है 3% की करेक्शन के साथ। देख रहे हैं कि सोयाबीन का अक्टूबर वायदा अब एक गिरावट की ओर चल पड़ा है। आपको बता दें कि सोयाबीन की कीमतें सोयाबीन की बुआई के समय वायदा बाजार के अंदर 10,000 तक देखने को मिली, और उस समय इसको किसानों का अनलक कह लें, क्योंकि उस समय किसानों के पास स्टॉक था नहीं सोयाबीन का। जिस समय वायदा बाजार के अंदर सोयाबीन की जो कीमतें हैं 10,000 के भी पार जाती नजर आई थी, अगर किसानों के पास उस समय सोयाबीन का स्टॉक होता तो किसानों को उसका लाभ भी मिलता, लेकिन किसान उस समय सोयाबीन की कीमतों में तेजी का लाभ नहीं उठा पाए। लेकिन किसानों को आशा थी कि चलो सोयाबीन में तेजी बन रही है, बातें ऐसी चल रही हैं, उस समय ऐसी बातें बताई जा रही थी और एनालिस्ट द्वारा ऐसे आंकड़े बताए जा रहे थे कि जो सोयाबीन है उसकी बुआई कम रह सकती है, क्योंकि उस समय सरसों की जो सोयाबीन थी उसकी बुआई की बीजों की किल्लत थी, बुआई के लिए बिजाई के लिए सोयाबीन की बीजों की किल्लत देखने को मिली थी, किसानों के पास बीज नहीं थे, ब्लैक मार्केटिंग भी देखने को मिली थी सोयाबीन के बीजों की, किसानों ने महंगे दाम पर सोयाबीन के बीज खरीद कर भी सोयाबीन की बुआई करी। लेकिन अब जब सोयाबीन की फसल आई तब शोर मच गया कि खाद्य तेलों के दाम ज़्यादा हो रहे हैं और बुआई का जो रकबा है लगभग पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि बारिश ज़्यादा देखने को मिली है। वही जब बीज ही नहीं था तो बुआई किस चीज़ की हुई, और अगर आंकड़ों ऐसे बता भी दिया तो भारी बारिश की वजह से इस समय जो सोयाबीन की जो फसल है वो भी तो खराब हुई है, और दूसरा खपत के भी आंकड़े देखने ज़रूरी है। केवल और केवल अगर कोई उत्पादन के आंकड़े अपने बता देता है या कोई दूसरी प्राइवेट कंपनी या सरकार उत्पादन के आंकड़े ज़्यादा बता देती है, तो खपत के भी आंकड़े ज़रूरी होते हैं कि खपत कैसी देखने को मिल रही है और डिमांड कैसी है। तो सिर्फ और सिर्फ केवल उत्पादन के आंकड़ों पर ही यह आकलन नहीं लिया जा सकता है कि सोयाबीन में या किसी और पर्टिकुलर कम्योडिटी के अंदर आगे जाके मंदी आएगी या तेज़ी। यहीं पे बात कर रहे थे हम सोयाबीन की, तो सोयाबीन में भी अभी यही सीन देखने को मिल रहा है, सोयाबीन के अंदर भी अभी हाल फिलहाल के अंदर यही सिनेरियो देखने को मिल रहा है। फसलें खराब भी हुई हैं, अगर उत्पादन के आंकड़े ज़्यादा हैं तो फसलें खराब भी हुई हैं, और आगे जाके सोयाबीन के जो भाव हैं वो बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, तेल की जो डिमांड है वो बढ़ेगी और सोयाबीन की भी जो मांग है वो भी बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो जो किसान है वो सतर्क हो जाएं, सोयाबीन को सोच समझ के रखें और सोच समझ के ही बेचें।